दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस एक और वीडियो के अंदर जहां हम बात कर रहे हैं द केसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में हमने एक एप्लीकेशन की थी जहां पे हमने एक सर्कुलर कंडक्टर लिया था कुछ ऐसा और उसके एक्सिस के ऊपर हमने एक मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की थी जिसकी वैल्यू ये थी। ठीक है, हमने कहा था कि इसके ऊपर एक पॉइंट है एक्सिस के ऊपर पी, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये होगी। आज हम इसके दो स्पेशल केसेस देखने वाले हैं जिनसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, मतलब इन केसेस से ही सवाल बना के पूछ लिए जाते हैं। वो केसेस क्या हैं? देखिए, पहला केस ये कहता है कि अगर इस एक्सिस में जो एक्स की वैल्यू है, मतलब ये जो आप देख सकते हो पूरा एक्स एक्सिस है, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाए, मतलब ये बहुत बड़ी हो जाए एक्स की वैल्यू, तब मैग्नेटिक फील्ड पर क्या असर पड़ेगा, ये बताना है। तो देखिए, अगर एक्स बढ़ गया है तो ये जो रेडियस आर है, मतलब इस रिंग की जो रेडियस आर है, इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं स्मॉल आर को। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर ये बहुत दूर हो जाएगा तो ये एक ऐसे पॉइंट काम करेगा ना, इसके लिए ऐसे रिंग नहीं काम करेगा। अगर पास लाओगे तो रिंग है, दूर जाओगे तो पॉइंट काम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये आर नेगलेक्ट कर देंगे हम स्मॉल आर, स्मॉल आर की वैल्यू इस फॉर्मूले में जीरो रखेंगे तो नीचे एक्स क्यूब बचेगा, क्योंकि एक्स का स्क्वायर उसकी पावर 3/2 है तो उसका टोटल वैल्यू एक्स की पावर 3 बचेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे n की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ टर्न्स। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? एक है, n की वैल्यू रख सकते हैं। और एरिया की वैल्यू क्या रखेंगे? पाई स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, तो आप वैल्यूज रख दीजिए और उसके अंदर आप देखिए कि वैल्यू कटेगी, यानी कि 2 से 4 कटेगा, पाई से पाई कटेगा और लास्ट में ये वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे गौर से नोट करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड B है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक्स क्यूब के, यानी कि इस डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी, एक्स जितना ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही कम होगी। तो ये है इस केस का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा कि जब आप एक्सिस की वैल्यू बहुत ज़्यादा दूर ले जाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कमज़ोर पड़ जाती है, या मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर पड़ जाती है। इसी में दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरे केस में ये जो एक्सिस की वैल्यू है हम इसको कम करते हैं। वहाँ पहले केस में ज़्यादा कर रहे थे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू हम लोग कम करते हैं। अगर आप वैल्यू कम करते जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? सेंटर पर पहुँचेंगे। यानी कि अगर एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो हम सेंटर पर पहुँचते हैं और सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अगर आप पहले से वीडियोज़ देख रहे हो तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये निकल के आती है सेंटर के ऊपर। अगर नहीं पता है तो मैं अभी कैलकुलेट करके दे देता हूँ। ये आपका फॉर्मूला दे रखा है, इसमें हमने क्या कहा कि x की वैल्यू ज़ीरो करनी है, तो x की वैल्यू ज़ीरो कर दीजिए, नीचे क्या आएगा? स्मॉल r का क्यूब आ जाएगा, करेक्ट। अच्छा, टर्न्स कितने हैं, n की संख्या कितनी है? एक है, एक ही टर्न है। ठीक है, और एक को हम क्या लिख सकते हैं? पाई आर स्क्वायर। तो सारी वैल्यूज़ रख दीजिए। अब आप देख सकते हैं पाई से पाई कैंसिल आउट होगा, आर स्क्वायर से आर क्यूब का आर कैंसिल होगा। ठीक है, सब कुछ कैंसिल करके यही वैल्यू निकल के आएगी जो मैंने यहाँ पे लिखी है। आपको याद होगा एप्लीकेशंस मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, अगर आप पहले से वीडियो देख रहे हैं तो पता होगा आपको। तो ये वो वैल्यू निकल के आएगी जब एक्स बिल्कुल ही कम होगा, सेंटर पे होगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिन पे सवाल बना के पूछ लिए जाते हैं कि एक्सिस की वैल्यू ज़्यादा होगी तब क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी, और एक्सिस की वैल्यू कम होगी, सेंटर पे होगी, तब क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये दो इंपॉर्टेंट केसेस समझ में आए हों। इसके बाद भी इसके अंदर कोई क्वेरी आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।